यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मानो बीरबल की खिचड़ी बनता जा रहा है, जो पकने का नाम ही नहीं ले रहा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले दो महीनों से चल रही है। जल्द जल्द जल्द, पता नहीं ये जल्द कब आएगा। पहले अटकलों का बाजार गर्म था कि घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन अभी भी ये दूर की कौड़ी ही नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि कैबिनेट विस्तार का पेच फंसा हुआ है? मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी कील कांटों और रुकावटों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की रणनीति आयोगों और निगमों में एडजस्टमेंट पर है। निगम और आयोग प्रमुखों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को निगमों और आयोगों की कमान देना चाहती है। कार्यकर्ता भी पैरवी और लॉबिंग करने में जुट गए हैं। पिछले दिनों 70% जिला अध्यक्षों को बदले जाने के बाद जल्द ही एक और बदलाव देखने को मिल सकता है। दो नामों को योगी सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा जोर शोर से थी, लेकिन घोसी में आए नतीजों के बाद दो नाम फिलहाल गायब हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर दावा कर चुके हैं कि वो 100% मंत्री बन के रहेंगे। अंदर खाने खबर है कि सीएम योगी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के मूड में नहीं है। हालांकि पिछले दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल से मुलाकात करना, दारा सिंह चौहान का दिल्ली दरबार आना और दूसरी तरफ दिनेश शर्मा का राज्यसभा में शपथ लेना, जिसने मंत्रिमंडल में शामिल होने के आतुर नेताओं को कुछ उम्मीदें दे दी हैं। ये घटनाक्रम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन की पिच तो तैयार है, लेकिन फैसला सीएम योगी को करना है। कहा ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार लखनऊ और दिल्ली के बीच फंस गया है। दरअसल जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल दूसरे कार्यकाल की मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, तो योगी के सभी करीबी चेहरे बाहर थे। माना गया मंत्रिमंडल भाजपा संगठन का मंत्रिमंडल है। ऐसे में अब मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। बहरहाल अगर अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इसमें उन नेताओं, उन चेहरों को तरजीह दी जाएगी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब होंगे, यानी सीएम अपने कई विश्वास पात्र चेहरों को इसमें शामिल करेंगे। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन कौन से नए चेहरे इसका हिस्सा बनेंगे, उसकी तस्वीर तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही क्लियर हो पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।